ये तो बड़ा पोपट किया इसने मेरा। बॉयकॉट प्राची, हाँ ऐसा टाइप का कुछ लग रहा है। हेलो टीएसएम ब्रो, आज आपके लिए लेकर आए हैं हम एक न्यू चैलेंज गेम्स। स्टॉप, सिंह मुंडा को तो आने दीजिए, तभी तो होगा। हाय हेलो टीएसएम ब्रोस, तो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। इसका इंट्रो तो बहुत घटिया था, धीरे धीरे सीख जाएगी। पर आज हम लोग को घटिया नहीं था, बहुत ही प्यारा सा था, स्वीट इनोसेंट। तो हम लोग को आज मेन प्राची को पहले इंट्रो में ले आए, क्योंकि एक चीज के बारे में बात करना और उसको क्लियर करना। मैं बोलती हूँ थैंक यू सो मच टीएसएम फैमिली, मुझे इतना प्यार सपोर्ट दिखाने के लिए। बट अब सिंह मुंडा बोलेंगे कि क्या एग्जैक्टली हुआ। ऐसा है कि हम लोग अभी जस्ट कोर्ट से आए हैं और प्राची केस जीत चुकी है, उसको जस्टिस मिल गया। आप लोग इतना जस्टिस कमेंट क्योंकि उसको जस्टिस लास्ट तक मिल ही गया। ठीक है, जो भी है, जोक्स अपार्ट, मेरे को यही बोलना था कि देखो आप लोग जो कमेंट कर रहे हो, मेरे को लगता है आप लोग ने पूरा वीडियो देखा नहीं है। आप लोगों को पूरा वीडियो लास्ट तक देखना चाहिए था, क्या बात हुआ है नहीं हुआ। आप लोग पहले से ही कमेंट कर दिए कि प्राची को हम लोग ने गिफ्ट नहीं दिया, प्राची व्लॉग में सैड है। एक आप लोग देखे होंगे, हम लोग पहले मस्ती करते, नॉर्मल है वो, मेरा ब्रदर एंड सिस्टर। हाँ, वो भाई बहनों का, हाँ वो भाई बहनों का मस्ती है, हर घर में ऐसा होता है। ऐसा होता है, ठीक है। तो आप लोग तो एंटरटेन के लिए तो वीडियोस बनाया जाता है कि आप लोग एंटरटेन हो, प्यार आपको अच्छा लगे, आप प्यार दो हम लोग को। इसीलिए ये सब कोई नेगेटिव में मत लो। तो वही बात है, क्योंकि कुछ जन है भाई, कुछ जन है जो इसको बहुत नेगेटिव टर्म में इसको चेंज कर रहे हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। देखो वो, उसको कुछ काम था। हाँ, मुझे कुछ काम था, लास्ट डे मुझे कुछ काम था, इसलिए मैं चली गई थी। तो इसीलिए हाँ, गिफ्ट नहीं वो लिया। चली गई थी तो उसको हम लोग इसलिए जोक में बोले कि तू अगर जाएगी तो तेरे को गिफ्ट नहीं मिलेगा, ये वो। तो वो सबको लेके आप लोग ने बहुत ही ज्यादा, मतलब नेक्स्ट लेवल आप लोग लेके चले गए, जस्टिस वगैरह। आप अगर देखोगे, जब मम्मी का पार्ट था, जब मैं मम्मी को अपना मतलब पूरा बैलेंस दे रहा था जो भी बचा हुआ था, उस टाइम में प्रियंका जी ने भी बोला था कि तूने क्या पूरा दे दिया कि प्राची के लिए कुछ रखा। तो मैंने उस टाइम में क्लियर कट आराम से अच्छे से बोला होगा, आप लोग ने शायद वीडियो नहीं देखा है। आपने वीडियो नहीं देखा है, इसलिए आप लोगों को पता नहीं है, क्योंकि मैं वहां पे बोल ही चुका था। पहले मैं बोला था कि ऐसा कुछ नहीं, प्राची के लिए रखा नहीं। फिर मैं बोला कि नहीं, प्राची के लिए रखा हुआ, बैलेंस मम्मी को दे दिया प्राची का हटा के। और क्या बोलते हैं, प्राची को बाद में कभी उसको सरप्राइज करेंगे, अभी उसको कुछ दिन बोलेंगे तेरे लिए कोई गिफ्ट नहीं है, तेरे को कोई गिफ्ट नहीं मिला। पर वो सरप्राइज आप लोग ने पूरा खराब कर दिया, इसलिए आज हम जा रहे हैं शॉपिंग करने। वैसे टाइम नहीं होता, जब टाइम मिल जाता तो मैं वीडियो में आ जाती हूँ। वही तो, उसको वही भी काम है, जाना पड़ता है मुझे भी। अभी लॉकडाउन में कुछ दिन वो घर पे थी, तो लॉकडाउन अभी खुल चुका, उसको भी अपना काम पे जाना पड़ेगा, तो आप लोगों को समझना पड़ेगा सब चीजें। तो अभी फिर चलते हैं अभी व्लॉग में। नहीं नहीं, थैंक यू इतना प्यार दिखाने के लिए, बहुत अच्छा लगा। पर पॉजिटिव वे में लो वीडियोस, नेगेटिव वे में मत लो। मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैं बहुत बहुत ही ज्यादा प्यारी हूँ यहाँ पर, समझ के देख लो। अभी ठीक है, तो जो भी है, सीरियस टॉपिक साइड रखो, अभी एंटरटेनमेंट चाहिए तो एंटरटेनमेंट देखो। अभी हम लोग चलते हैं, हाँ, देखते हैं अभी बाहर जाकर बड़ों का राय लेंगे कि क्या है, क्या उन लोग को, हाँ, ये वाला रिएक्शन उन लोग का क्या है, क्या लेके। तो देखते हैं उन लोग का रिएक्शन क्या होता है। मतलब प्रियंका दी भी देखिए सोशल मीडिया में जो चल रहे है, ये नहीं वो जो भी है। फिर वरुण से भी लेंगे, वरुण भी आ ही रहा है, और इसको आप फाइनली गिफ्ट खरीद के देंगे। और सिंह का भी ट्रीट लेना है, तो हम लोग इसलिए निकल रहे हैं। तो हाँ, चलते हैं फिर, देखते हैं। और थैंक यू सो मच एवरीवन। तो अभी हम लोग सेंट्रल मॉल आया है प्राची को शॉपिंग कराने, जस्टिस मिलेगा उसको। तो इन लोग से विचार पूछ लेते हैं प्राची के जस्टिस के बारे में। तो आपका क्या कहना है? प्राची का जस्टिस, आ जा, क्या इस लड़की को जस्टिस मिलना चाहिए? प्राची को कोई बोला ही नहीं, नो कमेंट। इधर एक मैडम ने बोल दिया नो कमेंट को जस्टिस दे। सब कहानी छोड़, सिंजू को जस्टिस दे। मास्क पहना है तो कल ये खरीदा था हम लोग, पहन लिया, चल अब घर जा, हो गया। जय सिंजू को, क्यों सिंजू को बोला वीडियो में नहीं लाएगा और नहीं लाएगा, ये क्या मतलब हो रहा है भाई? वो मना की ना, अभी उसका तबीयत खराब हो जाता है। मैंने सिंजू को बॉयकॉट कर दिया है। You are boycotted, move out. Go, go, go. तब से सिंजो आएगा। Justice for me, guys, please. No justice for anyone, only justice for सिंजो. The nation guys agree or not? ये लोग तो agree करेगा, ये लोग तो comment कर रहे हैं सिंजो चाहिए, सिंजो चाहिए। क्यों खड़ी है? जा। चलो चलो चलो। जा central, इसको central ले जा। Justice का बहुत बात हो गया, अब हम लोग जा रहे हैं shopping करने। प्राची को हम लोग dress, कपड़ा दिलाएंगे, top दिलाएंगे। प्राची doesn't wants to wear. एक तो top लेने आया है। अभी तो सेंट्रल में इतना पार्किंग है, ये इतना भीड़ है, जस्ट इमेजिन। तो ये लोग तो अच्छा अच्छा शॉपिंग करेगा, कमाई होने रहो लोग का। एक तो टॉप लेने आया 400-500 का, उसके लिए बोल रहे हो किसके साथ, ये तो बताओ। हम लोग के साथ, हम भीड़ के साथ, हम समझ जा, बिजनेस का डर, यू नीड टू अंडरस्टैंड। अच्छा, वरुण का कैफे 1 तारीख से खुलेगा, जो भी कोलकाता से है सबको 1 तारीख को। सब पूछ रहा था कैफे का नाम, कैफे का नाम मगजन शॉट्स कैफे, सॉल्ट लेक में और सिटी सेंटर 1 में और सदर स्ट्रीट में।
दोनों जगह हमला तोड़ आ जाना और मैं आ जाऊंगी या नहीं आऊंगी तो डिस्काउंट मेरे नाम पे ले लेना। मीटअप भी हो जाएगा, मीटअप सिंफुल 15 मार देना और डिस्काउंट मिल जाएगा 15% सबको। नाम ले लेंगे तो डबल लूंगा पहले। 900 रुपए का तुम लोग का ऐसा ही आता है, तुम लोग का 500 के नीचे प्लैनेट में मिलेगा। भाई तो मेरा कल मास्क दिलाने में इतना वो कर रहा था, जिसको 900 रुपए का टी शर्ट बदल ले ले, कितना प्यार है, कितना प्यार। वीडियो में वही कपड़ा पहन के आएगी, सुंदर दिखेगी, व्यूअर्स लोग को अच्छा लगेगा। प्राची और बिट्टू भाई बहन, तो भाई बहन ही है भाई। क्या प्रिंट, क्या प्रिंट इसको? अरे उसके भैया का कपड़ा का तो नहीं पता, वरुण का ज्यादा आइडिया है सबका। वरुण तुम कैसे बैठा है? डाई चल वरुण, हम लोग कपड़ा का बिजनेस खोल लेते हैं। हम लोग कपड़ा का बिजनेस खोल रहे हैं। कपड़ा, फूड और फ्री में मिलेगा सब कुछ। ओह वाओ, ये भी, ये बहुत अच्छा लग रहा है। जल्दी वो लास्ट वाला पहन के आ जाए जल्दी से। रियल लाइफ में ना मैं आप लोगों को कैमरे में दिखा नहीं सकती, मेरे साथ ये लोग जितना अत्याचार करते हैं ना, ये जस्टिस फॉर मी होना चाहिए। नहीं मैं बता रही हूँ लोगों को, तो मैं ही काटना है घर में। यू डोंट हैव ग्लास मिरर एंड ऑल, तो यहाँ पर आके ड्रामा कर रहा सेट। ये तो बड़ा फोफट किया इसने मेरा। तो तेजसंग जस्टिस हो गया, तो कोर्ट में जाकर ही हुआ, कोर्ट में जाके हियरिंग हुआ, उसके बाद केस लड़ी, वो जीत गई, जस्टिस मिल गया। जस्टिस के बदले ये रिटर्न गिफ्ट मिला इसको, दिखा, रिटर्न गिफ्ट मिला उसको, सबसे महंगा कपड़ा मैंने। तो आप लोग थोड़ा वेट क्या करो, इतना टेंशन क्यों लेते हो, सब चीज आएगा धीरे धीरे। वो बिजी हो गए, एक तो चीज लेके मैं इसको ज्यादा सरप्राइज करूंगा, मैं ला के उसको कुछ अच्छा दूंगा, पर आप लोग पूरा चौपट कर दिया। ठीक है जो भी, अभी चलो नेक्स्ट चलते हैं कहीं। होते ही पाड़े, गुड, होते ही पाड़े। लेकिन सबसे एक्सपेंसिव प्राची का ही गिफ्ट है। मेरा मास्क सबसे ज्यादा डिस्काउंट भी नहीं मिला, डिस्काउंट भी नहीं मिला। ये है 2000 1800 1600। बॉयकॉट प्राची, बॉयकॉट प्राची। नहीं 1600 नहीं, मेरा 1600 और भी मास्क है, मेरा तो और भी सस्ता, 700 रुपए। उतना नहीं, एमआरपी पे बात हो रहा है। अच्छा, क्वांटिटी पे बात हो रही है। 3000 रुपए नहीं, डिस्काउंट मिला ना, डिस्काउंट लेके कर रहे तो 2000 1800 1600। मैं सबसे वाह, बॉयकॉट प्राची, बॉयकॉट प्राची। मैं पूरा भी पूरा मेरा हो गया खाली बैंक अकाउंट। बाबा क्या प्यार, क्या प्यार, कभी मुझे तो बराबर हिस्सा, क्या प्यार प्राची प्रिंसेस। मैं तो बोली थी ये लोग कोई मानता ही नहीं कि मुझसे इतना प्यार करता है। तुम प्रिंसेस है, प्रिंसेस मैं 24 आवर्स प्रिंसेस करूंगी। अच्छा बोल बोल, मैं 24 आवर्स प्रिंसेस वाला वो करूंगी। प्रिंसेस ड्रेस है ना तुम्हारे पास दीदी? एक उसको जस्टिस, आप लोग जस्टिस बोले तो उसका जस्टिस में देखो कहाँ गई। केवेंटर्स का भी उसको आइसक्रीम खाना है और आप लोग को जस्टिस करवाना है। उसने खुद से ही पे किया तो मैं बच गया, पर जो भी है एक जस्टिस के चक्कर में वो कितना कुछ लेगी। शॉपिंग कर ली, अभी उसको खाना भी खिला दिया और अभी आइसक्रीम। अभी प्रियंका जी का एक शूट बाकी है, उसका शूट चल रहा है, उसको देखते वो लोग, वो लोग क्या कर रहे हैं देखते। जब तक आइसक्रीम आने दो, फिर आप लोग को दिखाता हूँ क्या चल रहा है। पैसा भी मैं दूंगी। कितना हुआ? 198। वो पे कर चुकी है, बहुत पैसा है उसके पास। वो मेरे को बोली वॉच खरीद के देगी, अभी तक दी नहीं। कौन सा, कब का वॉच? अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बोली कि नहीं, बोली थी ना एक ही खरीदूंगी दोनों मिलकर पहने। ये कैसा बात है, मेरे को तो एक चाहिए, अपना चाहिए। चेक हो गया है। तो मस्त चीज देखो, ऑर्डर करने गई थी मैडम आइसक्रीम, ऑर्डर क्या किया, शेक। ये है, इसीलिए मैं सबको बोल रहा हूँ बॉयकॉट का, बॉयकॉट प्राची। तो आज यही होगा, आज आप लो गिरा भी दी, ढक्कन गिरा दी। ये हमको घर लेके जाना था। हाँ ये बॉटल तो हम लोग घर ही लेके जाते हैं। तो चलो फिर हम लोग शेक पीते हैं, घर जाते हैं और आज का व्लॉग यही खत्म करते हैं। शायद बहुत लंबा भी हो गया होगा, तो आज यही व्लॉग खत्म कर रहा हूँ। तो आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट दूसरा किसी व्लॉग में। तो तब तक के लिए चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और प्यार करो और सब्सक्राइब भी करो। 40,000 होने ही वाला है तो जल्दी जल्दी कर दो। 1 लाख, हाँ 1 लाख हो गया। 20 जन के लिए गिव अवे मेरे तरफ से, स्पेशल चीज जो मैं अभी रिवील नहीं करूँगा। तो देख लो भाई, अगर जुलाई में हो गया 1 लाख तो देखो गिव अवे आएगा, तो जल्दी जल्दी कर दो। अभी के लिए बाय बाय। हॉन्टेड प्लेस नहीं, उसको क्या बोलते हैं, हाँ ऐसा टाइप का कुछ लग रहा है। ये देखो
सिटी सेंटर वन का हालत, अभी जस्ट पुणे आट हुआ है और सब कुछ बंद हो गया, पूरा सुनसान हो गया है। ऐसा लग रहा है पूरा, देखो ना पूरा सुनसान अंधेरा ऐसा। यहाँ पे 12 एक बजे के आसपास होता है, 12 एक बजे भी नहीं होता है बाबू, 12 एक बजे होता है क्योंकि रेस्टोरेंट ये सब 11 तक बंद होता है। तो उसके बाद मेरे को याद है क्योंकि दुर्गा पूजा में तो हम लोग थे ना, तब ऐसे ही होता था। तो व्लॉग खत्म हो गया था, ये थोड़ा सा पार्ट दिखा दिया, लगा इंटरेस्टिंग है, हाँ एंड कर चुका था, लेकिन देख लो मजा आएगा तो ठीक है।